वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं थर्मो स्टेट के बारे में। ठीक है, ये थर्मो स्टेट की चेकिंग किस तरीके से होती है, इसी के बारे में आज हम लोग बताने वाले हैं। और ये थर्मो स्टेट कहाँ पे लगा होता है, इसके बारे में फुल डिटेल्स हम लोग देने वाले हैं। तो गाइज, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमारे पास एक थर्मो स्टेट है। तो इसको चेकिंग हम किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ये काम क्या करता है और ये कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, ये थर्मोस्टेट जो है ये सिंगल डोर फ्रिज में यूज होता है और डबल डोर फ्रिज में भी यूज होता है, डिफ्रीजर में भी यूज होता है। ये जो है ज्यादातर जो है कॉम्प्रेसर को बंद करने के लिए ये स्विच लगाया जाता है। ठीक है, एक स्विच के हिसाब से ये काम करता है थर्मोस्टेट। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इसकी चेकिंग करना जानते हैं कि ये सही है ये खराब है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं, तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो है सिंगल डोर फ्रिज में लगा होता है। ठीक है, कॉम्प्रेसर को बंद करने के लिए। अब ये काम क्या करता है, यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे सेंसर एक लगा हुआ है। ठीक है, ये जो है एवोपरेटर के नीचे लगा होता है। ठीक है, यहीं से सेंस करता है। अब मान लीजिए कि हमने कूलिंग जो है सेट कर दिया 2 या 3 पे, तो जब फ्रिज में 2 या 3 कूलिंग सेट हो जाता है तो यहाँ से क्या करता है, सेंस करता है, और सेंस करके थर्मोस्टेट को कमांड देता है। और यहाँ से क्या करता है, कॉम्प्रेसर की सप्लाई यहाँ से रहती है और कॉम्प्रेसर को यहाँ से बंद कर देता है। मतलब यहाँ से सप्लाई इन होती है और यहाँ से आउट होता है, तो यहाँ से आउट होना बंद हो जाता है तो हमारा कॉम्प्रेसर बंद हो जाता है। ठीक है, जब हमारा कॉम्प्रेसर बंद हो जाएगा तो हमारे फ्रिज में कूलिंग करना बंद कर देता है। ठीक है, जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, कि मतलब जैसे हमने 2 पे रखा है और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे ही बढ़ेगा वैसे क्या करेगा, यहाँ से सेंस करेगा और इसको बताएगा कि टेम्परेचर जो है अभी बढ़ गया है, तो यहाँ से फिर जो है कॉम्प्रेसर को ऑन कर देगा। और कॉम्प्रेसर को जैसे ऑन करेगा तो कूलिंग होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। अब मान लीजिए 2 पे रखना है, 3 पे रखना है या 4 पे रखना है, यहाँ से आप कम ज्यादा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है एक और पिन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको और नजदीक करके दिखा देता हूँ, ये पिन दिया हुआ है। ठीक है, ये पिन हम तब यूज करते हैं, मान लीजिए कि आपके फ्रिज में बर्फ जम गया हो और काफी ज्यादा बर्फ जम गया हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चक्कू से जो है बर्फ निकालते हैं और कॉयल में जो है लीकेज कर देते हैं, जो एवोपरेटर होता है उसमें लीकेज कर देते हैं। ठीक है, तो थर्मोस्टेट में ये सेटिंग दिया होता है कि आप जो है अपने बर्फ को आसानी से पिघला सकते हैं। तो ये जो दिया हुआ है इसको आप ऐसा प्रेस करेंगे तो ये अंदर की तरफ चले जाएगा। ठीक है, जब अंदर की तरफ जाएगा तो यहाँ से सप्लाई जो है वो कट कर देता है, यहाँ से सप्लाई जो है कट कर देता है, कॉम्प्रेसर को ऑन नहीं करेगा, तो बर्फ जो है पूरा पिघल जाएगा। कम से कम 24 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक जो है बाहर आ जाएगा और ये थर्मोस्टेट कॉम्प्रेसर को ऑन कर देता है। ठीक है, तो 24 घंटे के लिए कॉम्प्रेसर आपका बंद हो जाता है ये दबाने के बाद। ठीक है, तो ये दबा दीजिए, आपका कॉम्प्रेसर बंद हो जाएगा और जितने भी बर्फ जो है फ्रिज में बना हुआ है वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि इसकी चेकिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पिन दिया हुआ है और दोनों में जो है सप्लाई जाता है, इसमें भी सप्लाई जाता है और इस यहाँ से आउट करता है। ठीक है, दोनों पिन में कहीं से भी इन करा सकते हो, 1 नंबर 2 नंबर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, इसको अगर हमें चेक करना हो तो किस तरीके से चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम सप्लाई यहाँ पे फेस देते हैं तो यहाँ पे आउट करना चाहिए। ठीक है, और थर्मोस्टेट को बंद करने पे यहाँ से बंद होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास मीटर है, किलोमीटर, जैसे कि ये हमारे पास किलोमीटर है। ठीक है, अब मान लीजिए इसे हम जो है सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूटी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हम देख लेते हैं कि हमारा वायर जो है बराबर लगा है कि नहीं लगा है, इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारा वायर बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साउंड आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे दोनों पिन पे कि क्या हमारा थर्मोस्टेट सही है या खराब है। तो हम जो है इस साइड में आ जाते हैं क्योंकि आपको मीटर दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक हम यहाँ पर रखेंगे और एक जो है हम यहाँ पर रखेंगे। अभी देखिए हमारा साउंड आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा ये थर्मोस्टेट सही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थर्मोस्टेट को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ये जो है जो साउंड आ रहा था वो नहीं आना चाहिए। तो चलिए इसको बंद करके भी देखते हैं। ये जो है बहुत हार्ड होता है। ठीक है, इसका स्विच तो है नहीं, तो हम पकड़ से इसको जो है घुमा करके इसको बंद करेंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए, अभी हमने जो है पकड़ ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब हम इसको थर्मोस्टेट को बंद करेंगे, यहाँ से कट करके आवाज आएगा। यहाँ पे देखिए साउंड आपको सुना देता हूं, ये देखिए बंद हुआ। ठीक है, ये चालू हो गया और ये बंद हो गया। जब ये बंद होता है तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। ठीक है, जैसे हम इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है
ऑन हो गया, ठीक है, कट से आवाज आया। तो यहां पर जो है हम चेक करेंगे, यहां पे कंटिन्यूटी बताना चाहिए, देखिए मीटर में बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये थर्मोस्टेट जो है ये हमारा सही है, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।